ओके तो इसका करना है ना inauguration of underground cabling project. Sir, this project is to the top of 12.5. As we know, sir, Patna Top is one of the famous tourist destination. But winters mein generally dekha jata tha, sir, because of snowfall during rainy season, bahut sare outages hote the. And sir, this project will go a long way in ensuring that uninterrupted power supply is simultaneously, sir, with augmentation, the nearby areas of Sarasar will also be benefited. With permission, sir, may we unveil the inauguration. Okay. सर ये किसी उधमपुर जो है ये अपनी टॉप है आई वेलकम ऑनरेबल एलजी ऑनरेबल एडवाइजर कनेक्टिविटी है कि नहीं है First of all, sir, this is the abstract of all the projects that the rooms are going to be inaugurating, dedicating to public and the foundation springs off. So this has been required to be spread across almost all districts, sir. Udhampur, Jammu, Kathua, Rasi. There are five categories. There is inauguration of underground cabling work at Patni Top Tourist Park. This is one of the project. Cost is 12.58 crores, sir. 3.15 MVA capacity addition. The second category is a new substation, 33/11 kV. Jammu, one project, 4.6 crores, total capacity addition, 20 MVA. So then we have many additional transformers, 33/11 kV, 10 in number in districts of Jammu, Kathua, and Rasi. Cost. LG ne, jo Patni Top ne, hamara phase 1 hai underground cabling project ka, isko inaugurate kiya hai. डिपार्टमेंट की तरफ से ये एग्जीक्यूट किया गया है जेके पीडीसीएल की तरफ से टोटल 12.58 की करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट बना है और इसमें अमूमन देखा जाता था पत्नी टॉप में जब भी स्नोफॉल रेनफॉल के टाइम पे जो एक बड़े फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो बाहर से आते थे उनको पावर आउटेजेस देखने को मिलती थी बट इस प्रोजेक्ट के कारण सारी पावर जो भी आपके ओवरहेड 33 kV है 11 kV है वो फेज़ 1 में अंडरग्राउंड कर दी गई है और मुझे बताया गया है कि 100 से ज़्यादा कंज्यूमर भी कनेक्ट कर लिए गए हैं और कहीं ना कहीं एक पूरी पावर स्टेबलाइजेशन को आउटेजेस को कम करेगा साथ साथ ये सिर्फ इस एरिया के लिए नहीं बल्कि आसपास जो नत्था टॉप है सनासर है उसकी पावर ऑगमेंटेशन भी करेगा क्योंकि कई रिसीविंग जो हमारे स्टेशन हैं वो नए बने हैं और 3.15 से हम 6.35 मेगावाट की कैपेसिटी इंक्रीज़ की गई है तो ये एक आज PMTP प्रोजेक्ट में एक बहुत हिस्टोरिक है और मुझे उम्मीद है कि इसका फेज़ 2 जल्दी स्टार्ट होगा और जो बैलेंस वर्क है वो उसमें कवर कर दिया सर जैसे अभी देख रहे हैं जैसे सिर्फ होटल वालों के लिए जैसे मैंने कहा कि पत्नी नत्था टॉप सनासर आसपास वाले जो एरियाज़ हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा इसमें दो कंपोनेंट हैं एक तो ऑगमेंटेशन और कहीं भी ऑगमेंट की जाती है वो सभी कंज्यूमर्स के लिए होते हैं चाहे वो गांव वाले हों चाहे वो होटल इंडस्ट्री वाले हों तो होटल इंडस्ट्री के लिए भी एक हमेशा एक इशू रहता है विंटर्स में खास तौर पे कि कहीं ना कहीं पावर ब्रेक्स रहते थे जो बाहर टूरिस्ट आ रहा है उसको वो एक कंफर्ट नहीं मिल पाता था बट अब अंडरग्राउंड केबलिंग के साथ जो छोटा डिसरप्शन किसी जगह स्नोफॉल गिर गई छोटा शॉर्ट सर्किटिंग हो गया वो सब बच जाएगा डिपार्टमेंट को मैं इसमें मुबारकबाद देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ जल्दी अगला प्रोजेक्ट थैंक यू